সম্পূর্ণ নরপ্ন খুলুম্মা সাঙ্গিয়া ভারক খুলুমখা যতনানন मंच में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक साहब, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राज्यसभा एमपी मेरा भाई बिप्लब देव जी, आईपीएफटी टिपरा माथा, बीजेपी के प्रेसिडेंट राजीव जी, विजय कुमार रांखल जी, प्रेम कुमार रियांग जी, मिनिस्टर्स, मेरे सीएम, मेरे चेयरमैन जगदीश देव वर्मा, पूर्णचंद्र जमतिया, मेरे एमडीसीज, मेरे एमएलएस, जब मैं मेरा बोल रहा हूं, बीजेपी आईपीएफटी टिपरा मोथा सब टिपरासा है। यहां में मेरे बुरोई बुमा बदल, सबसे पहले बुरोई से नाम स्टार्ट करूंगा, बुरोई बुमा बदल, मेरे वाईटीएफ के वॉरियर्स, मेरे टिपरा मोथा के वॉरियर्स और सब जो आईपीएफटी से आए हैं, बीजेपी से आए हैं, मैं सबको, आपको चिबाए, आपको खुलुमखा, आपको मेरा प्यार देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कुछ भी शुरू करने से पहले सबको एक बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू। पॉलिटिक्स में सब लोग बोलते हैं आई लव माई पार्टी, आई लव दिस, आई लव दैट, लेकिन बुबागरा सबसे पहले आई लव यू बोलता है, क्योंकि जो दिल से काम करता है ना, वो हारता भी है तभी भी जीत जाता है। और जो लीडर अपने जाति, अपने देश, अपने जमीन, अपने हाथ को प्यार नहीं करता है ना, उसके पास कुछ भी हो वो कभी भी जीतता नहीं है। क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ आपको चाहिए तो वो प्यार चाहिए, वो इज्जत चाहिए, वो सम्मान चाहिए, वो पैसे से नहीं आता, वो रंग से नहीं आता है, वो लाल बत्ती गाड़ी से नहीं आता है, वो सिक्योरिटी से नहीं आता है, वो आप गरीब लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद से आता है, बुबागरा ये जानता है। इससे पहले हमारे कैंडिडेट बिप्लब देव ने बहुत कुछ बोला है, आपने वीडियो भी देखा है, और मेरे बाद हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक साहब बोलेंगे। मैं यहां में ज्यादा बोलने आया नहीं हूं, आंग्विसी को सालिया, लेकिन दो तीन चीज आपके माइंड में होना चाहिए। आपने देखा अमित शाह ने क्या बोला, ये देश का होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, स्वीकार किया 75 साल में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का आज हमने प्रक्रिया शुरू किया है। ये एक बंद कमरे में अकेला मुझे देश का होम मिनिस्टर ने नहीं बोला है, टीवी के सामने पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को अमित शाह जी, जो देश का होम मिनिस्टर है, उसने बोला है कि त्रिपुरा में जो भी अन्याय गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए हम दो कदम आगे जाएंगे। ये बहुत बड़ा चीज। इससे पहले भी बहुत सरकार थी, लेकिन
ये पहला एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें ना किसी का घर जला है, ना किसी का खून बहा है, ना कहीं में किसी को मारपीट करके किसी का जान गया है। ये एक पहला अग्रीमेंट त्रिपुरा में बना है जहां में एक भी बरक का, ब्रू का, पिपरासा का, बंगाली का, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन का जान नहीं गया है। ये पहला अग्रीमेंट है जिसमें हमने बिना खून बहाए, बिना बंदूक चलाए, बिना किसी को कष्ट देकर हमने डेमोक्रेटिकली मुबादरा अनशन करके, फाइट करके, नॉट कॉम्प्रोमाइज करके अपना पिपरासा को कुछ किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ और करना। एक तरफ हमारा प्यार है, दूसरे तरफ सीपीएम का आक्रोश। एक तरफ हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं, दूसरे तरफ सीपीएम हमको थकाई करना चाहता है। एक तरफ हम लोग अपना पिपरासा, अपना गुमा, अपना हानि भूसा को पट्टा देकर, जमीन का अधिकार देकर, आपको आपका भविष्य को ठीक करके आपको एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है। और एक तरफ मानिक सरकार है जो खुद पूरे इंडिया में अपने आप को मार्केटिंग करता है, आमी गरीब मुख्यमंत्री। अरे आप गरीब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने त्रिपुरा में 25 साल में सबसे गरीब पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इंडिजिनियस पॉपुलेशन पिपरासा जनजाति है तो वो मिजोरम में नहीं है, वो मेघालय में नहीं है, वो नागालैंड में नहीं है, वो मणिपुर में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिर्फ त्रिपुरा में है। क्यों? 25 साल आपने राज किया, 25 साल में आपने हम लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं दिए? 25 साल में आपने हमको उन्नति क्यों नहीं दी? 25 साल में पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया कि पिपरासा उग्रपंथी है, पिपरासा वायलेंट है, पिपरासा गंदा है, पिपरासा को कुछ समझ में नहीं आता है। आपने हमको गरीब रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर पिपरासा गरीब रहेगा तो 100 रुपया 500 रुपया में अपना वोट बेचेगा। यहां में हमारा गुमा है, हमारा मां है, हमारा बहन है। आप लोग जानता है कि आज जब आप बच्चे को जन्म करता है तो आप गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा। आप जानता नहीं है, आप 9 महीना कष्ट करके अपना बच्चा को रखता है अपने पेट में, जब उसका जन्म होता है आपको मालूम नहीं कि उसका क्या भविष्य है। आप सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने देखा पिपरा मोथा का जो पावर है वो हम लोगों का बुरोई बदौल गुमा से मिलता है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहां, हमारे नेक्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव भी है यहां, मैं उनके सामने बोलना चाहता हूं, प्रद्योत विक्रम माणिक्य सबसे पहले अपना बुरोई, अपना बुमा को कुछ ना कुछ देगा। देखो अभी वीडियो देखा आपने, यहां में अगरतला में ये 2-3 लीडर लोग बोल रहा है महाराजा महाजन हो गया, प्रद्योत विक्रम क्यों जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दिल्ली में
गवर्नमेंट बन रहा है मोदी जी का। त्रिपुरा में अगर हम अपने पिपरासा को कुछ देना चाहते हैं तो आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा जो हमारा जिंदगी को ठीक करे। ठीक हो सका? जब कांग्रेस पावर में था हम लोग सीपीएम का संघ है, कुछ मिला? कुछ मिला? आज यही लोग बोल रहा है दिल्ली में बीजेपी आएगा लेकिन त्रिपुरा में आप हमारे संग रहो। आप हमको बेवकूफ समझता है? हम अपना पिपरासा को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, जहां में आपके पास नौकरी हो, जहां में आपके पास शिक्षा हो, जहां में आपका बच्चा भूखा नहीं मरे, जहां में आपका माँ बाप को एक अच्छा हॉस्पिटल मिले, जहां में आपका एक अच्छा कल हो। मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट करना चाहता हूं। आपके बोले के लिए, आपके बोले के लिए, अपना हाथ के लिए, अपना खून के लिए, अपना खून के लिए, अपना कुकुम्बा के लिए। प्रद्योत विक्रम मानिक अपना गला काट सकता है लेकिन पिपरासा को धोखा नहीं देगा। ये लोग, मैं कांग्रेस में था आज से 5 साल पहले, कुमलुंग में राहुल गांधी के साथ यही घटना हुई। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के था यहां। उस समय राहुल गांधी ने क्या बोला, हम सीपीएम के साथ नहीं है, हम सीपीएम को उखाड़ के फेंक देंगे। वो वीडियो में ये सीपीएम पार्टी ने, यहां में जगदीश वर्मा है, डीके रामकौल है, मानव है, आईएनपीटी का बहुत लीडर है। 2008 में मैं कांग्रेस बनकर मैंने फाइट किया आईएनपीटी के साथ, हमको लगा हम लोग जीत रहा है, नहीं जीता। क्यों? 2013 में कोरबुक से लेके सापलूम से लेके कंचनपुर में द्रव कुमार रियांग के लिए मैंने कैंपेन किया, लेकिन जब रिजल्ट निकला सीपीएम जीतता है, कांग्रेस हारता है। आज मालूम पड़ा कि आपका अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में था तो आपने त्रिपुरा को बेच दिया सीपीएम के हाथ में। हम सच बोल रहे हैं, ये लोग त्रिपुरा को कठपुतली बना के समझा। उस समय मैंने फाइट किया, मैंने फाइट किया सीपीएम के संग, रतन बाबू भी था मेरे साथ, कांग्रेस ने फाइट किया, कुछ नहीं मिला, अंडरस्टैंडिंग। आज कांग्रेस का बड़ा नेता आज से 10 दिन पहले मुझे फोन करके बोलता है, प्रद्योत आपको बीजेपी आरएसएस को हराना पड़ेगा, राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को हराना चाहता है। तो मैंने बोला राहुल गांधी किसके अगेंस्ट लड़ रहा है? बोला बीजेपी आरएसएस। हमने बोला केरला में तो बीजेपी आरएसएस नहीं है, कोई किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है राहुल गांधी? CPIM। राहुल गांधी को केरला में कौन पार्टी हरा सकता है? CPIM। वहां में दुश्मन, त्रिपुरा में दोस्त। वहां में आप बोलता है कि सीपीएम में संगे जोत होवे ना, त्रिपुरा में बंधु। यही पार्टी यही नीति के लिए आज कांग्रेस त्रिपुरा में जीरो हो चुका है। मैं फाइट करता था सीपीएम से, आपने फाइट किया सीपीएम से। आज जिस पार्टी का वर्कर मुझे दुख लगता है कांग्रेस को, हमको नौकरी नहीं दिया, हमारा वर्कर को मारा, जो सीपीएम को वोट नहीं करता था उसको नौकरी नहीं दिया, आज वही लोग
सीपीएम को जाकर वोट देगा, वही आदमी जो कांग्रेस का हाथ चिन्ह है वो सीपीएम को जाकर वोट देगा। मैं आपको बोलता हूं, एक वोट कांग्रेस का जो भी है सपोर्टर सीपीएम को वोट नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आज इंकलाब मातरम हो गया। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आज जिंदाबाद मातरम हो गया। बुबागरा, जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो मैंने क्या बोला, पुइला जाति पुलो पार्टी। आज टिप्रा मोथा में मैं लीडर होके भी यहां में प्रेम है, यहां में बीजेपी के लीडर्स है, मुख्यमंत्री जी है, मैं आज भी यहां में सबके सामने बोलता हूं, आई लव माई पीपल मोर देन माई पार्टी। आज भी सबके सामने मैं बोल सकता हूं, पुइला जाति पुलो पार्टी। ये झंडा, ये फ्लैग, ये झंडा, ये फ्लैग मेरा कम्युनिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जाति, ये देश, ये कम्युनिटी, ये राज्य हमारा कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। जिस दिन अपना कम्युनिटी को मैंने उठाया, जिस दिन अपना त्रिपुरा को मैंने उठाया, उस दिन अपना देश भी उठेगा, हम लोग सब उठेंगे। मेरा आइडियोलॉजी मेरा लोग है, मेरा आइडियोलॉजी मेरा गरीब त्रिपुरा सा है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले मैं आपको कुछ दूं, उसके बाद अपने बारे से। बहुत लोगों ने बोला है, आज फिर से इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बड़ा बड़ा लीडर बोलेगा कि होल छे एब्सोल्युटली नॉनसेंस, हो बेना। जो लोग मैंने अपने आंखों से देखा कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ा तो सोनिया गांधी का फोटो में जूता से चप्पल से मारा, तृणमूल गए, कांग्रेस को अटैक किया, उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में जीता, काम नहीं बना, वापस कांग्रेस में। राजीव जी, आप अपना मेंबरशिप फॉर्म 4 तारीख के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग वापस बीजेपी में घुसने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ आइडियोलॉजी नहीं है, इनको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, बेचना है। इनको आपको सामने रखकर आपको बेचेंगे। 10 साल कांग्रेस था, 25 साल सीपीएम था, आज वही अगरतला में बोलता है तो करो रोमन स्क्रिप्ट पे रख दो, होवे तो किसने रोका आपको, 10 साल था आप लोग, किसने रोका आपको, 25 साल था आप लोग, उस समय क्यों नहीं किया। आज बोल रहा है ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा में रख दो होवे, आपका बाजू बन रिया था, एमपी था, एक बार नहीं 7-7 बार एमपी था, अपना रियांग को कितना गरीब से कंचनपुर में रखा। उस समय आपको प्यार नहीं था हमारा ग्रुप के लिए, मैं गया, अमित शाह ने, मुख्यमंत्री उस समय का बिप्लब कुमार देव जी ने दिल बड़ा होकर अपना ग्रुप को त्रिपुरा में जगा दिया। उस समय कहा था आप मुझे, आप जो त्रिपुरा सा कौन हो रहा था, जब बुबागरा हताकतौर में खाली पेट एक्शन कर रहा था, तब कहां था आपका प्लान, कहां था। मैंने बोला था कि जब तक राइटिंग में अलायंस नहीं, गारंटी नहीं मिलेगा, मैं अलायंस नहीं करूंगा। असेंबली में राइटिंग में नहीं हुआ, नहीं। लेकिन आज जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमको गारंटी देता है, उसका बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं। ये गारंटी मनमोहन सिंह ने
आपको राजनीति कर, आपको राजनीति करना था। आने वाले दिन में मैंने क्या बोला, पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है। वी द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा, वी लव इंडिया, वी लव ऑल कम्युनिटीज एंड वी शैल फाइट, वी शैल फाइट, बट वी शैल फाइट विद पीस, वी शैल फाइट फॉर थंसा, वी शैल फाइट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड वी शैल नेवर सरेंडर। बट बिलीव मी, डोंट फाइट विद अ फ्लैग, फाइट विद योर हार्ट। अगर आपको फाइट करना है ना अपने गरीब, अपने गरीब टिपरा सा, अगर आपको फाइट करना है, एक बार अपना बच्चा का शक्ल को देखो। आज कोई लोग बोलता है पैसा देने से टिपरा सा अपना वोट बेच देगा, मैं अपना बुरोई दुमा को बोलना चाहता हूं, आप नेक्स्ट टाइम वोट डालोगे अपना बच्चा को एक बार देखो। 500 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए, थोड़ा सा चौक के लिए, थोड़ा सा पोस्ट के लिए अगर आज आपने अपना वोट बेचा ना, तो आपका बच्चा मजदूरी करेगा। लेकिन अगर आपने सही सवाल पूछा, आपने सही इंसान को चूज किया, तो आपका बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर बनेगा। आज तक ड्राइवर टिपरा सा था, पीछे कोई और बैठता था। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक सपना है कि एक दिन टिपरा सा पीछे के सीट में बैठे और ड्राइवर कोई और होगा। मैं चाहता हूं आवर नेक्स्ट जेनरेशन शुड राइज, वी शुड कम अप, लेकिन किसी के खिलाफ। यहां में अगर टिपरा सा गरीब है तो बंगाली भी गरीब है, अगर क्रिश्चियन के पेट में खाना नहीं है तो हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान के पेट में भी खाना नहीं है। अगर आपका बच्चा मरता है डायरिया, मलेरिया से, तो कहीं और भी किसी और का बच्चा मरता है। किसने ये किया, किसने ये किया, इसको बदलना है कि नहीं? मैं नहीं बदल सकता हूं अकेला, आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और आने वाले 5 साल के अंदर मैंने देखा है, अगर अपना दफा को, अपना सोसाइटी को उठाना है, तो सबसे पहले अपना बुरी को, अपना भूमा को आगे रखना पड़ेगा। हम लोग ने भी अन्याय किया है अपना मां के साथ, अपना बुरी भूमा के साथ। जो प्यार आपने हमको दिया ना हमारा भूमा लोग, मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, इतना प्यार मिला है आपसे कि भूभागरा आपके लिए कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा, आई प्रॉमिस यू। देखो मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, ईश्वर ने, भगवान ने सब कुछ दिया मुझे, नियुमा दिया, मां बाप ने अच्छा घर दिया, महल दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में एक चीज आपको खुद कमाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। और वो अच्छा नाम तभी होता है जब आप लोग अपना जाति, अपना लोगों, अपना देश के लिए काम करता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ने मुझे ये पावर दिया है। एंड आई प्रोमिस यू जब मैं हताई कतर में था, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया, दिल्ली से विप्लव जी ने मुझे फोन किया, विकास मिनिस्टर था उसने फोन किया, बीके रामकौल उन्होंने फोन किया, बोला भूभागरा अगर आप ऐसा कर रहे हो हम लोग कुछ करेंगे। मैंने देखा
चर्च में हमारा क्रिश्चियन लोग ने फास्टिंग किया, मैंने देखा मंदिर में हमारा तीपासा लोगों ने पूजा की, बुद्ध मंदिर में बुद्धिस्ट लोग ने भी प्रार्थना किया, ईसाई लोगों ने दुआ किया। आज जो सपोर्ट है ना मेरे पास, वो पैसे से नहीं आया, वो काम से आया है। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, मैं राजनीति करना चाहता हूं, राजनीति। और जो लोग आज यहां में सीपीएम का फ्लाई दिखाई पड़ रहा है, पड़ रहा है नहीं है ना रतन बाबू? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। यूट्यूब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाड़ देना, चल देना, चक्रांत तो करता हो, यही बोलता नाटक करता है, अपने आप को बहुबली बुलाता है। ए बहुबली लोग सामने आओ ना, गुबागरा खड़ा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, 2 मिनट में चैलेंज करना चाहता है ना। मेरे बाप को दुख करा के मारा, मेरे मां को बेइज्जत किया, महाराजा वीर विक्रम का नाम को बदनाम किया, गरीब तीपरासा को भूमिहीन किया। आज हिम्मत है तो प्रत्युत विक्रम माणिक्य के सामने आओ, हमारा बुरी बोदल आपको चूड़ी पहनाकर मेरा मठ में वापस भेज दिया। आंके बनी कुरिया, आंके बनी कुरिया। और माणिक सरकार बोलते रहता है अपना पुराना कांग्रेस का दोस्त, आज कांग्रेस में रतन बाबू उन्हें कांग्रेस से आते कि तृणमूल बदलते रहता है ना। ये लोग को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्यों ये करते हो यार, क्यों इतना नाटक करते हो? अगर नाटक ही करना था तो आज से 10-15 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लेते। गुलशन ग्रोवर भी नहीं है, प्रेम चोपड़ा भी नहीं है, शक्ति कपूर भी नहीं है, आपको विलेन का रोल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम लोग बोलेगा ये अच्छा विलेन है, हम लोग यहां से बोलेगा। लेकिन इतना नाटक मत करो, ठोकाई मत करो। पीपरासा को बलि में रखकर जैसे राजीव ने बोला, पहले सीपीएम को 20 का 20 पीपरासा का सीट मिलता था, अब पीपरासा, अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन समझ चुका है, अब हम किसी और का फाइट मुफ्त में नहीं फाइट करेंगे। आप पहले हमको राइटिंग में कुछ दो तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलने वाला है। आज मेरा आइडियोलॉजी अपना पीपरासा का आशा है, भूख है, उसका भविष्य है। मेरा आइडियोलॉजी तुम्हारे आइडियोलॉजी के संग नहीं बनता है। और जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी दुख होगा, राहुल गांधी जिस दिन शादी करेगा उसके बारात में गुबागरा नाचेगा, सच में आई लव हिम, सबके सामने बोल रहा हूं, उसके बारात में मैं नाचूंगा। लेकिन राहुल गांधी पीपरासा के लिए कुछ नहीं करेगा ना, तो उसको मैं वोट नहीं दूंगा। दोस्ती एक जगह में, कम्युनिटी एक जगह में, अपना दफा एक जगह में, दोस्ती कहीं और में। अपना दोस्ती के लिए अपना जमायत से, अपना लोगों से धोखा नहीं कर सकता हूं। 15 तारीख को अमित शाह जी कुमार घाट में आएगा, उसने हमारे लिए ब्रू वोट किया। 17 तारीख को खबर है कि प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा आएगा, अगरतला में, उनके नीति के लिए, उनके पॉलिसी के लिए आज हमको कुछ मिलेगा। आप लोगों को मैं अपील करता हूं कि कुमार घाट में और अस्तबल मैदान में आप लोग जाइए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर को द पावर ऑफ थानसा दिखाइए, द पावर ऑफ कुकुम्बारा दिखाइए। क्योंकि
अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको सबको लेकर चलना है। ठीक बोल रहा हूं? मेरे बाद प्राइम चीफ मिनिस्टर जी बोलेंगे, डॉक्टर मानिक शाह, आप उनका भी बात सुनी। और मैं डॉक्टर मानिक शाह जी को, मैं जानता हूं चुनाव है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर साहब आई अपील टू यू, एबीसी के बारे में सोचिए। सबका साथ सबका विकास 100% होगा। एडीसी को अगर आप रखेंगे तो पूरा विकास सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूं कि आपका कमिटमेंट रखेंगे, मैं जानता हूं आपको प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आपके दिल में है उसको पॉलिसी में लाके रखिए। ये अलायंस सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये अलायंस को चलना चाहिए। ये अलायंस आगे बढ़ेगा तो त्रिपुरा का उन्नति होगा। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम लोग सब भाई भाई बनकर त्रिपुरा को आगे ले जाए, ये मेरा दिल का। सब लोग मेरे संग एक बार खड़ा होके बोलिए, सब लोग जो जिसको बैरिकेड तोड़ के आना भी है सामने आ जाओ, बैरिकेड तोड़ के आ जाओ, आ जाओ। पहले सब लोग खड़ा होकर 30 सेकंड के लिए, वन शुड बी 30 सेकंड के लिए आग बंद करो, सब चुप, सब चुप, आंख बंद करके दिल में हाथ रखो। अपना भूमि के बारे सोचो, अपने बच्चे के बारे सोचो, अपना भविष्य के बारे सोचो। आंख बंद करके दिल में कोई भी आपका भगवान हो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, दुआ मांगो, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए। कैसे लगा? शांति मिला ना? अगर 30 सेकेंड आपने सोचा ना तो आप सही डिसीजन लेगा। 19 तारीख को और 26 तारीख को पहले माथा से पॉल्यूशन हटाना है। 30 सेकेंड से आपने शांति रखा, आपको कैसे लगा? शांति लगा? शांति से, सुकून से, पीस से बहुत कुछ मिल सकता है। नफरत से कुछ नहीं मिलता, नफरत से कुछ नहीं मिलता। सब लोग मेरे साथ एक आवाज में, आप लोग ने गुलाब नहीं खाया, थैंक यू।